नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। 2024 चुनाव में राहुल हर रैली में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं आए लेकिन मजबूत विपक्ष में जरूर आ गए। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निवीर योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी को दूर किया जा सके। चलिए बताते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया। तो आपको बता दें कि सरकार ने 2022 में अग्निवीर योजना लॉन्च की। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इस मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में होने वाली कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है, साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वर्तमान में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इन्हें आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है, 4 साल के पहले सेवा नहीं छोड़ सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव भी है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का यह भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस तकनीक की रूप से समृद्ध होंगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे, जबकि ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना क्यों कारगर नहीं साबित हो रही है। तो आपको बता दें कि अग्निपथ अस्थायी रोजगार है। अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिला है। इसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है, मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अब आपको बता दें कि अग्निपथ योजना में कैरियर का स्थायित्व तो नहीं है। आपको बता दें कि 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए कैरियर के नए ऑप्शन खोजने पड़ेंगे, वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब नौजवान रहते हैं तो अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल तैयारी करते हैं, इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है। जब ये नौकरी खत्म होगी तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं है कि जो हथियार चलाना उसने सीखा और उसे बाहरी दुनिया में भी वही नौकरी मिले। अग्निवीर बनने के बाद व्यक्ति थोड़ा आर्मी जवान तो थोड़ा बाहरी इंसान बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि कोई भी 4 साल में अग्निवीरों को आर्मी जवान की तरह नहीं बनाया जा सकता। कई चीजें सालों तक सीखने के बाद आती हैं। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर के वह लीडरशिप की मोड में आता है। इससे सेना की कुल क्षमता और युद्धक क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वह न तो ठीक से आर्मी का जवान बन पाएगा
न ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी इंसान बन पाएगा। अच्छा, इससे निकलने के बाद दूसरी नौकरी की गारंटी भी नहीं है कि आपको अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज्यादा ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की नौकरी मिलेंगी, उसमें भी निजी एजेंसियां कूद पड़ी हैं। यहां उनके साथ किसी भी आम आदमी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। यही कारण है कि अग्निवीर बनने के लिए मिली ट्रेनिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि उन्हें रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी इसी ट्रेनिंग के आधार पर मिल जाए। जब सैनिकों को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए है और उसके बाद वे बाहर हो सकते हैं, तो यह उनके मोटिवेशन और मॉरल पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं वैल्यूज के साथ काम करें जो एक आर्मी का जवान करता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसे दूसरे लाभ न मिलना, कोई एक रेजिमेंट न होना जैसी अन्य कई कमियों की तरह एक्सपर्ट इशारा करते हैं। तो चलिए, ये तो रही अग्निवीर योजना की जानकारी। अब बात करते हैं सरकार कौन कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है, अग्निवीर योजना में कौन कौन से बड़े बदलाव सरकार ला रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, आपको बता दें कि अग्निवीर योजना में कौन कौन से बड़े बदलाव कर सकती है सरकार। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मुंह के बल खाने के बाद चुनाव में अग्निवीर योजना भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सरकार समझ गई कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया तो आगे विधानसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। सरकार द्वारा अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु सीमा 17.5 से 21 साल रखी थी और इसे बढ़ाकर 17.5 से 23 साल किया जा सकता है। आपको बता दें, 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सीमा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों की जो 25% औसत थी उसको बढ़ाकर 70% किया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ा करके 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी और एक मुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही अब तक की पूरी अपडेट अग्निवीर योजना को लेकर। आपको कितना समझ में आया है, आपके लिए कारगर है या नहीं है, आप हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।